मशीन के दोनों साइड पे कंट्रोलर होते हैं जी, एक वायु उधर से कंट्रोल कर रहे हैं जी, ये पीछे यहाँ से एक ये और एक बिल्कुल अपोजिट साइड पे वो, तो दोनों साइड पे कंट्रोलर, मैं कंट्रोलर फोकस करने की कोशिश करूँगा कंट्रोल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अवैस इकबाल और आप देख रहे हैं जी अपना यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे जी, अल्लाह पाक आप सबको अपने जुम्मन में रखे। आज़र जी रोड की एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ, चारा कश्मीर यानी कश्मीर रोड डडयाल तक कलर से जो रोड बन रही है इसकी अपडेट के साथ इस वक्त जी मौजूद हूँ बैंक चौक। यहाँ पर जी अभी कारपेट का काम शुरू हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है तकरीबन सुबह के 8:30 बज रहे हैं, तो अभी भी टाइम शुरू हो रहा है कारपेट का और आप लोगों को दिखाते हैं जी आज कितनी कारपेट होती है और कहाँ पर कारपेट होती है। तो इस वक्त जी बैंक चौक बाज़ार में ही हम लोग मौजूद हैं और उस तरफ से जी कारपेट शुरू की गई है, अभी चलते हैं उस तरफ आप लोगों को दिखाते हैं। तो अभी जी बिल्कुल बैंक चौक में जाने, पिछली वीडियो आप लोगों को देखा होगा, मैंने बताया था आप लोगों को जी जहाँ पर मशीनरी वगैरह खड़ी थी बैंक चौक जहाँ से शुरू हो रहा है जी, तो यहाँ पर अभी जी पहला डंपर अभी आज सुबह के टाइम तकरीबन टाइम है जी 8:30 और यहाँ पर अभी पहला डंपर जी अभी कारपेट डालने वाली मशीन में जी अनलोड किया जा रहा है इसके टैंक के अंदर। यहाँ से आप लोगों को दिखाता हूँ, ये बिल्कुल जी मुस्तफा कैशन कह रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर इस वक्त जी हम लोग मौजूद हैं। यहाँ से कारपेट डालते हुए जी अभी रोड की एक साइड पर डालेंगे जी, यहाँ पर ही एसफाल्ट स्प्रे की गई है और बता आगे कुछ एसफाल्ट जो है वो अगला जो गैप है जी मोड़ा दयाल जो गाँव है जी वहाँ पर उसकी भी एक साइड पर जी एसफाल्ट स्प्रे की गई है, तो अभी काम शुरू हो रहा है जी। तो अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, इतनी जल्दी और इतनी सुबह मैंने पहले कभी वीडियो नहीं बनाई, तो अभी जी बिल्कुल बैंक चौक पर काम हो रहा है तो इसलिए जी मैं थोड़ा जल्दी आ गया हूँ, कहीं पर बिज़ी भी नहीं था तो मैंने कहा जी आज सुबह जिस टाइम काम शुरू हो तो यहाँ से ही वीडियो बनाना शुरू करेंगे जी। ये चेक कर सकते हैं आप जी, तो अभी पहला डंपर यहाँ पर जी उसका जैक उठाएंगे और पहले डंपर को जी टैंक के अंदर गाड़ी के अनलोड करेंगे, फिर कारपेट बिछाना शुरू करेंगे। पीछे जी रोलर वगैरह भी रेडी हैं जी अपना काम करने के लिए, सुपरवाइजर वगैरह भी पहुँच जाएँ, दुआ हो रही है जी इस टाइम। तो ये चेक करें जी, अभी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं थोड़ा सा इस तरफ से आप लोगों को दिखाता हूँ, वीडियो आ रही है। तो ये जी पहला डंपर यहाँ से अभी टैंक के अंदर गाड़ी के लोड कर रहे हैं और यहाँ से ही कारपेट डालना शुरू करेंगे, अभी साथ साथ ही डंपर आगे मूव करेगा और साथ साथ ही जी कारपेट डालने वाली मशीन यहाँ से आगे मूव करेगी। पीछे रोलर वगैरह खड़े हैं जी, अभी इसके बाद रोलर अपना काम करेंगे, तो पहले चेक करें। ये काम बड़ी एहतियात से करते हैं जी, बिल्कुल अभी स्लो स्लो जी, साथ में आगे डैम्पर भी मूव कर रहा है और पीछे से मशीन भी मूव करती हुई इस तरफ को आ रही है जी। बड़ा बेहतरीन हो जाएगा जी बाज़ार में ख़ास तौर पर, क्योंकि बाज़ार में जी वहाँ दुकानदारों के लिए बड़े मसले मसाइल होते हैं जी धूल मट्टी से और ख़राब रोड से, तो अभी कारपेट बेहतर हो जाएगी, अच्छी कारपेट हो जाएगी तो दुकानदारों के लिए भी जी बेहतरीन काम होगा। बिल्कुल जी अभी काम जारी है, तकरीबन मेरे ख्याल से 3 से 4 घंटे का काम करते हैं जी रोज़ाना की बेसिस पे जी, तकरीबन 8-9 बजे करीब काम शुरू होता है और 11-12 बजे तकरीबन काम जी इनका मुकम्मल हो जाता है एक दिन का जी। अभी फिलहाल जी दो डंपर आगे खड़े नज़र आ रहे हो जी हमें, यहाँ से जूम करके दिखाता हूँ, दो एसफाल्ट के डंपर जी आगे खड़े हैं जी बैंक चौक बाज़ार के अंदर ही, और ट्रैफिक के मसले मसाइल बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा होंगे, वैसे भी ओवरऑल होते हैं बहुत जगह पर मसले मसाइल होते हैं, लेकिन बाज़ारों में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जी आवाम को, ट्रैफिक भी एक साइड से चलता है आने जाने वाला, तो इसलिए जी ये चेक करें जी। एसफाल्ट जी अभी डंपर से अनलोड होता हुआ जी मशीन के अंदर बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, बड़ा एहतियात का काम है जी, ये भी बड़ा ख़तरनाक भी होता है कि ये एक बार अगर डंपर ज़्यादा अनलोड हो जाए तो सारी एसफाल्ट नीचे गिर जाती है, वो बड़ा नुकसान करती है जी, एसफाल्ट का भी नुकसान होता है और आगे पीछे जो लोग होते हैं उनका भी नुकसान होता है, जिस्म पे लग जाए जी ये काफ़ी ख़तरनाक होती है और गर्म भी होती है। चेक करें जी अभी बेहतरीन जी
कारपेट बिछ रही है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं जी बाजार के अंदर निशान वाला सुबह लगा दिए गए हैं। और आगे जी अगला गैप है जी मोड़ा दयाल वाला, वहाँ पर भी अभी लुक स्प्रे कर दी गई है। आप लोग को जो ब्लैक हल्की सी नज़र आ रही होगी जी, ये लुक जो है ये स्प्रे करते हैं शुरू में, इसके साथ ही जी एस्फाल्ट चिपक जाती है। वैसे तो जो है वो रोड के साथ डायरेक्ट नहीं चिपकती, पहले एस्फाल्ट जो है वो स्प्रे करना लाजमी होता है। तो यहाँ पे ये जी आप लोगों के सामने अभी जी आप लोगों को थोड़ा सा रफ नज़र आ रहा होगा जी यहाँ पर ये, इसके बाद जी यहाँ पर जो रोलर वगैरह चलाए जाते हैं तो ये रोलर जो है ये इसको सीधा करते हैं। वैसे इस मशीन का काम सिर्फ कारपेट बिछाना होता है, लेवलिंग वगैरह करना, प्रेसिंग वगैरह करना दूसरी मशीन का काम होता है जो रोलर वगैरह होते हैं उनका। बेहतरीन काम जारी जी, बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू हो चुका है जी बैंक चौक में भी, और दुकानदारों के जी इंशाल्लाह मसले मसाइल यहाँ पर हल होंगे। अभी अब मशीन की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा है तो मैं खुद कम बोलूँगा जी और आप लोगों को प्रोसेस ज़्यादा दिखाऊँगा जी। टेम्परेचर वगैरह भी साथ चेक हो रहा है जी एस्फाल्ट का, चक्कर जी बड़ा स्लो एंड स्टडी काम हो रहा है जी, और 3 से 4 इंच होती है जी यहाँ पर पहली जो लेयर डाली जाती है और प्रेस करके तकरीबन 3 इंच रह जाती है जी। यहाँ से आप लोगों को नज़र आ रही है ये 3 इंच है, तकरीबन 4 इंच है जी सॉरी, और प्रेस करेंगे तकरीबन 1 इंच जी रोलर के साथ प्रेस होगी, 3 इंच रह जाती है तकरीबन। और तो अभी थोड़ी देर में जी साइडों पे क्लीनिंग वगैरह का काम जारी था, मैंने आप लोगों को दिखाया, और अभी फिर दोबारा जी मशीन स्टार्ट कर दी गई। अभी फिर आहिस्ता आहिस्ता जी आगे मूव कर रहे हैं, चेक कर सकते हैं आप जी बाइक के हाथ में जी थर्मामीटर है, इससे जी एस्फाल्ट का टेम्परेचर वगैरह भी चेक कर दिया कि कितनी गर्म है, क्योंकि गर्म होगी तभी आग जी ये फिक्स होगी चिपकेगी साथ, नहीं तो ठंडी हो तो चिपकती नहीं है सही। और मशीन के दोनों साइड पर कंट्रोलर होते हैं जी, एक वायु उधर से कंट्रोल कर रहे हैं जी ये पीछे यहाँ से, एक ये और एक बिल्कुल अपोजिट साइड पे वो, तो दोनों साइड पे कंट्रोलर, मैं कंट्रोलर फोकस करने की कोशिश करूँगा, कंट्रोलर आपको बताऊँ कि क्या हिसाब किताब होता है इसका।
और ये चेक करें जी, अभी बेहतरीन जी बेहतरीन जारी है काम, कारपेट बिछाते हुए यहाँ से और अभी बैंक चौक के अंदर ही मूव कर रहे हैं। आज थोड़ा बहुत मसले मसाइल होंगे जी ट्रैफिक की, अभी तो फिलहाल जी इतना रश भी नहीं है और मौसम आज जी माशाल्लाह बड़ा प्यारा, बादल छाए हुए जी, सुबह हल्की सी बारिश हुई है थोड़ी देर, लेकिन फिर बारिश थम गई अल्लाह पाक जी, बारिश कुछ दिनों के लिए जी बारिश की मोहलत दे वाम को जी। गंदम की कटाई तकरीबन जी मुकम्मल हो चुकी है, कतराई वगैरह यानी गवाही वगैरह का काम जारी है, तो अल्लाह पाक सबको जी रिस्क जो है वो संभालने की मोहलत दे। कंट्रोलर पे फोकस करते हैं जी, चेक करें कंट्रोलर, डैम कंट्रोलर उस साइड पे भी लगा हुआ है जी, दो लोग यहाँ से मैनेज करते हैं और एक ऊपर ड्राइवर होता है जी। एकदम से जी स्पाल अच्छी खासी अंदर से गिरी है तो बचत हो गया जी, साइड पर नहीं गिरी वो, सिर्फ टैंक के अंदर ही जाके गिरी है। बेहतरीन जी, पीछे लेबर भी काम करते हुए साथ, रूलर अभी स्टार्ट किया गया जी, रूलर ने अपना काम शुरू नहीं किया तो अभी अपना काम शुरू करेंगे आज जी। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जी, काम तो ज़्यादा है तो मैं कोशिश करूँगा जी दो वीडियो अपलोड करूँ और इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में जी आप लोग देखेंगे जी दो वीडियो अपलोड हुआ करेंगी, ताकि आप लोग मुझे बेहतरीन और बरवक्त अपडेट देते रहें। और कुछ दोस्त ही कमेंट करते हैं भाई आपकी वीडियो बड़ी देर लेट आती है, तो भाई जान कभी कभी होता है कि यूँ होता है, 4 मई की ये वीडियो बना रहा हूँ जी मैं, 4 मई की और तकरीबन 5 मई को जी ये वीडियो अपलोड होगी। मैंने शायद शुरू में 3 मई बोल दिया था, 3 मई को जुम्मा था जी, जुम्मे को काम नहीं हुआ और आज जी 4 मई को काम हो रहा है, 5 मई तक ये वीडियो इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी। और इस वीडियो का दूसरा पार्ट जी आप इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखेंगे, दूसरे पार्ट में आप लोगों को दिखाऊंगा जी बैंक चौक के अंदर ही जिस टाइम कारपेट हो रही होगी। तो अभी वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी जी और आप लोगों को भी बोर नहीं करना चाह रहा मैं, तो इंशाल्लाह जी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और लास्ट में जी अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रहे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ जाके फॉलो कर लें। तो इंशाल्लाह जी आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।